वो मुझे वार्निंग देकर गई है कि मैं ये गेम ऐसे खत्म करूं कि उसको भी नुकसान ना हो। नुकसान ना हो जाए क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हें समझा देती हूँ सीधे अल्फाजों में। वो उसकी आईडी है, भला वो क्यों तुम्हें यूज करने देगी? वो दिन भी नहीं दिए मुझे, बोल रही थी कि जॉब का ड्रामा कल ही खत्म हो जाए। यहाँ तो कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, फौरन से सर पर आ गई। अच्छा तुम इतनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? आर्काइव डिपार्टमेंट। वो किस लिए? उस बंदर का ऑर्डर है पिछले 20 साल के जो डिजाइन है उन्हें स्कैन करके रखना है। मैं ये बात नहीं कर रही, तुम अब तक इस कंपनी में क्या कर रही हो? तुम्हें निकाला नहीं क्या? किसी को कुछ नहीं मालूम इसलिए अभी तक यहाँ पर हूँ। यार उसे आराम से काम करने दो, परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं कब परेशान कर रही हूँ? हयात को कल निकाल ही देंगे तो अभी काम करने का क्या फायदा? बाहर निकले, एंजॉय करें अपने लास्ट डे को। वैसे भी एम आंटी कल ले जाएंगी इसे वापस। तुम्हारे मुँह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। तो तुम्हें लगता है कि हयात को उस जैसे बॉस के लिए काम करते रहना चाहिए? एंजॉय ना करें। जो वो करना चाहती है उसे करने दो ना। मैं क्या चाहती हूँ ये तो मुझे खुद नहीं मालूम, और मैं क्या कर सकती हूँ? मगर मैं नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊँ। लेकिन यहाँ रहने की और कोई वजह भी तो नहीं है। सब बातों की एक बात, तुम फौरन अभी अपने बॉस के पास जाओ और जाकर बता दो उन्हें सारी सच्चाई, ताकि वो इसको आइडेंटिटी फ्रॉड में पुलिस के हवाले कर दे। रही जॉब की बात तो वो तुम्हें रख लेगा, क्योंकि हमारी असली मैडम कह रही है ना, इसलिए। एक और आइडिया है मेरे पास। वो क्या? मैं बोल देती हूँ कि मैंने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला था। अब आपकी मर्जी है मुझे रखें या निकाल दें। मिस हयात। मुराद सर, तुम अभी भी उसे सर कह रही हो? यार अभी तो तुम अपने बॉस की इतनी बुराइयां कर रही थी और अभी फौरन से मुराद साहब कहने लग गई। जब भी गिरती हैं तो मैं ही क्यों संभालता हूं? मुझे क्या पता, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरती हूं जो आप आके संभालें। अब छोड़ दूं क्या? छोड़ दें। ठीक है। ओह खुदा, मैं फिर से गिर गई। I'm sorry। मैंने कहा था ना कि जब भी आप गिरती हैं मैं ही संभालता हूं। अब तो ये साबित भी हो गया है ना? आपने अचानक से छोड़ दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं दोबारा गिर गई। कहिए क्या काम है सर? SWOT एनालाइजर? SWOT एनालाइजर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम जो ऐसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं सब पता है मुझे, इस बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की हुई है सच में।